ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के तीसरे श्लोक का वर्णन करूँगी। पश्येताम पांडुपुत्राणा आचार्य महतिम च मोम व्यूढ़ा ध्रुपदे पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तात्पर्य, परम राजनीतिक दुर्योधन महान ब्राह्मण सेनापति द्रोणाचार्य के दोषों को इंगित करना चाहता था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद के साथ द्रोणाचार्य का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। अर्जुन की पत्नी द्रौपदी जो थी उसके पिता का गुरु द्रोणाचार्य के साथ कुछ राजनीतिक मामले में कोई झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ सम्पन्न किया था जिससे उसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला था जो द्रोणाचार्य का वध कर सकता था। द्रोणाचार्य इसे भली भांति जानते थे, किंतु जब ध्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए उनको सौंपा गया तो द्रोणाचार्य को उसे अपने सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं हुई। अब धृष्टद्युम्न कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता को इंगित किया जिससे वह इस युद्ध में सजग रहें और समझौता ना करें। इसके द्वारा वह द्रोणाचार्य को यह भी बताना चाह रहा था कि कहीं वह अपने प्रिय शिष्य पांडवों के प्रति युद्ध में उदारता ना दिखा बैठे, इसलिए क्योंकि अर्जुन जो है वो गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय था। इसीलिए दुर्योधन बार बार उन्हें ये इंगित करना चाहता था कि कहीं वो अर्जुन या पांडवों को देखकर पिघल ना जाएं। आगे, विशेष रूप से अर्जुन उसका अत्यंत प्रिय एवं तेजस्वी शिष्य था। दुर्योधन ने यह भी चेतावनी दी कि युद्ध में इस प्रकार की उदारता से हार हो सकती है। आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं पहले अध्याय के चौथे श्लोक का वर्णन करूँगी। अभी के लिए बस इतना ही। कोई गलती हो तो उसके लिए क्षमा करिएगा। जय श्री कृष्णा।